आज आप सबके सामने एक कहानी का वर्णन करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बहादुर बित्तो। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक किसान की बीवी ने कठिन समय में भी अपनी सूझबूझ से काम लेकर अपनी गाय और बैल की जान बचाई। तो प्रस्तुत है आपके सामने बहादुर बित्तो। एक बार एक किसान था। किसान की बीवी का नाम बित्तो था। एक दिन किसान बित्तो के पास आकर कहने लगा, आज जब मैं दिन में खेत में हल चला रहा था तब एक शेर ने आकर मुझसे कहा, किसान किसान मुझे अपना बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर बित्तो ने पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ, अगर तू बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर के हवाले करते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तभी बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने किसान को कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी बित्तो अभी तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया और कहने लगा, शेर राजा, मेरी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बित्तो अभी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। उधर बित्तो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तभी बित्तो घोड़े से उतरी, शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा और अपनी जान बचाने के लिए भाग उठा। यह देख बित्तो ने किसान की तरफ मुड़कर कहा, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले करने की बात कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। तभी एक भेड़िया आकर शेर से पूछा, शेर राजा, क्या बात है, आज आप जरा उदास लग रहे हैं? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज बहुत मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह दिन में झाड़ी के पीछे छुपकर सारा तमाशा देख रहा था, इसलिए वह कहने लगा, भोले बादशाह, वह तो किसान की बीवी बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप एक बार फिर कोशिश कर देखिए, इस बार अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने के बाद शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िये से कहा, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरे पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर किसान के खेत की ओर चल पड़े। शेर को देख किसान के होशो हवास उड़ गए, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। वह भेड़िये की तरफ पास जाकर बोली, क्यों रे भेड़िये, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू चार शेरों को अपनी पूंछ से बांध कर लाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कभी मिट सकती है? यह सुनकर शेर के होशो हवास उड़ गए। उसे लगा कि भेड़िये ने उसे धोखा दिया है। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग उठा।
भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि शेर अब उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन समय में भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।